हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इफ्तार स्पेशल रेसिपी है चिकन रोल, सो चलिए देखते हैं। चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है बोल, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, एक अंडा, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। मैंने पहले भी चिकन रोल की वीडियो बनाई थी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, पर इस दफा मैंने इसे कुछ दूसरे तरीके से बनाया है, जो आई होप आपको और भी ज्यादा टेस्टी लगे। और ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। सो जो तैयार हो गया है, और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर मैंने इसके चारों ओर लगाकर इसे एक कॉटन के कपड़े में कवर करके रख दूंगी। सो ये है कुछ बोनलेस चिकन पीसेस, जिसे मैं एक बोल के अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे सॉल्ट और बाकी सारे मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस और कोरिएंडर लीव्स। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली, जिसे मैं स्मॉल पीसेस में कट कर लूंगी, बिल्कुल राउंड एंड थिन। एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लेना आप ना भूलें। साथ ही मैं ऐड करूंगी लेमन जूस और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी विद सम स्पाइसेस ऑन इट, जैसे कि चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ पैन, जिसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, और अब मैं इसके अंदर चिकन को डाल दूंगी, जिसे मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो इसे कुछ देर स्टर करूंगी। फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि चिकन अंदर तक पक सके। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटोज, जिसे मैंने स्क्वायर कट कर लिए थे, और इन्हें भी हम अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनटों तक कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं एंड स्टफिंग तैयार हो चुका है, सो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब मैं डो को चेक कर लेती हूँ, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। सो फ्लोर पे हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके पेड़े काट लेंगे एक एक करके। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसे बेलते जाएंगे जेंटली। रोटी आप ना तो बहुत ही पतला बेलें ना मोटा, बिल्कुल परफेक्ट शेप होना चाहिए। तो मैंने लिया है तवा, जिसके ऊपर हम ये रोटी डाल देंगे, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल करीबन 1-2 टीस्पून। सो रोटी बिल्कुल तैयार है, सो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे पास है चिकन की स्टफिंग, रोटी एंड सैलेड फॉर द टॉपिंग्स। सो सबसे पहले रोटी के ऊपर चिकन की स्टफिंग को ऐड करेंगे, देन आई विल ऐड टॉपिंग्स ऑन टू इट, लिटिल बिट ऑफ केचप। अब दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसे सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। सो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजे का गर्मा गर्म चिकन रोल, जो कि आपको और आपके फैमिली को बहुत ही मजे का लगेगा इन इफ्तार टाइम। सो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन की कैसी बनी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।